2019 में कई कमाल की फिल्में आई जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया बल्कि दर्शकों के दिल पर भी अपनी छाप छोड़ दी। 2019 में आई अच्छी फिल्मों ने 2020 में आने वाली फिल्मों से उम्मीदें बढ़ा दी हैं। 2020 में यूं तो कई फिल्में आनी हैं, पर इस वीडियो में हमने 10 ऐसी फिल्मों को चुना है जिसको देखना आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये 10 फिल्में 2020 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली फिल्म के साथ। नंबर 1, जवानी जाने मन। सैफ अली खान ने हाल ही के कुछ सालों में कुछ अच्छी फिल्में की हैं और साथ ही साथ वे सुपरहिट वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में भी नजर आए। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले ही ना चल पाई हों, पर क्रिटिक्स ने उनकी फिल्म्स को खूब पसंद किया है और उनकी एक्टिंग की भी काफी तारीफें करी हैं। चाहे वो लाल कप्तान हो या फिर तानाजी द अनसंग वॉरियर, सैफ ने हर फिल्म में बड़ी ही मेहनत के साथ काम करा और अपने किरदारों को पूरी सच्चाई से निभाया। 2020 में उनकी पहली फिल्म तानाजी तो लोगों को पहले से ही खूब पसंद आ रही है, पर इसके अलावा उनकी एक और फिल्म है जो लोगों को खूब पसंद आने वाली है। हम बात कर रहे हैं 7 फरवरी 2020 को रिलीज होने वाली जवानी जाने मन के बारे में। इस फिल्म में सैफ अली खान मुख्य भूमिका में हैं। वहीं उनके अलावा इस फिल्म में तब्बू भी हैं जो पहली बार सैफ के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। इसके अलावा इस फिल्म में अलाया फर्नीचर वाला भी काम करेंगी जो सैफ की बेटी का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म को नितिन कक्कर ने डायरेक्ट किया है। वहीं इस फिल्म का साउंडट्रैक दिया है गौरव रोशन, तनिष्क बागची और प्रेम हरदीप ने। इसके अलावा इस फिल्म के गानों के लिरिक्स लिखे हैं प्रीत हरपाल और ममजी स्ट्रेंजर ने। इस फिल्म की कहानी की बात करी जाए तो सैफ अली खान इस फिल्म में एक एक्सीडेंटल फादर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर और बाकी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। हम आशा करते हैं कि सैफ अली खान की ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरेगी और लोगों को एक अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी दूसरी फिल्म की तरफ, लव आजकल। कार्तिक आर्यन इस समय न केवल दर्शकों के बल्कि बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर्स के भी चहेते बने हुए हैं। सोनू की टीटू की स्वीटी, लुका छुपी और प्यार का पंचनामा जैसी फिल्मों में काम कर चुके कार्तिक आर्यन ने पिछले कुछ समय में बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली है और वह हर फिल्म के साथ नए मुकाम पर पहुंचते जा रहे हैं। वहीं महज 2 फिल्में करने वाली सारा अली खान भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। जब ये दोनों एक साथ फिल्म में काम करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी होगी। इम्तियाज अली, जो कि 2009 में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण को लेकर लव आजकल बना चुके हैं, वह इन दोनों को एक साथ लाकर उनकी उसी सफल फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं जो कि 2020 में 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज होगी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी होने वाली है। इम्तियाज अपनी कमाल की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और लोगों को इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें हैं। नंबर 3, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। आयुष्मान खुराना लीक से अलग फिल्में करने की वजह से बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। उनकी कमाल की एक्टिंग और स्क्रिप्ट की समझ के दम पर उनकी पिछली कुछ फिल्में 100 करोड़ का आंकड़ा तो यूं ही पार कर गई। उन्होंने 2019 में ड्रीम गर्ल और बाला जैसी फिल्में करी हैं और ये दोनों ही फिल्में लोगों को खूब पसंद आई। 2020 में उनकी पहली फिल्म आ रही है शुभ मंगल ज्यादा सावधान जो कि फरवरी 21, 2020 को रिलीज होगी। ये आयुष्मान खुराना की 3 साल पहले आई शुभ मंगल सावधान का सीक्वल है। ये फिल्म लोगों को हंसाने के साथ साथ उनमें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करेगी। आयुष्मान के कमाल के स्क्रिप्ट सेंस के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म भी काफी बेहतरीन साबित होने वाली है। इस फिल्म को आनंद एल राय, भूषण कुमार, हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार ने प्रोड्यूस करा है। वहीं इस फिल्म को लिखने और डायरेक्ट करने का काम करा है हितेश केवलिया ने। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, गजराज राव जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगली फिल्म की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊँ कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन पर गेम्स खेलते हुए पैसे कमा सकते हैं? आप में से हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात को ना माने और कुछ लोग मेरी इस बात पर हंसे भी, पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MPL एक ऐसी ऐप है जिसमें आप गेम्स खेलते हुए हजारों रुपए कमा सकते हैं। फ्री गेम्स खेलने की जगह MPL डाउनलोड करें और अपने मन पसंदीदा गेम्स खेलते हुए पैसे जीतें। MPL के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें और अपना स्कोर बढ़ाएं। फन और कमाई दोनों साथ साथ। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि आप इस ऐप पर कैरम, पूल, फ्रूट चॉप और बबल शूटर जैसे गेम्स भी खेल सकते हैं। अभी डाउनलोड करें और गेम्स खेलते हुए अपनी कमाई बढ़ाएं। और दोस्तों, आप इस ऐप पर अपने फ्रेंड्स को रेफर करके भी अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से MPL अभी डाउनलोड करें और खेलते हुए कमाना शुरू कर दें। हैप्पी अर्निंग। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली फिल्म की तरफ, जिसमें लीड किरदार कोई हीरो नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस निभाने वाली हैं। नंबर 4, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। जानवी कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म धड़क के बाद से अब तक एक भी फिल्म नहीं करी है, पर 2020 में वह गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसको शरण शर्मा ने डायरेक्ट किया है और इसको करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस के तले प्रोड्यूस करा है। इस फिल्म में जानवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं, वहीं उनके अलावा पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि गुंजन सक्सेना श्री विद्या राजन के साथ फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरफोर्स पायलट इन कॉम्बैट थी। इन्हीं के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। इस फिल्म के जरिए न केवल गुंजन सक्सेना की कहानी को पर्दे पर लाया जा रहा है बल्कि भारत की पहली महिला एयरफोर्स पायलट की कहानी को भी पर्दे पर उतारने की कोशिश है। इस फिल्म को अगर अच्छे से बनाया जाए तो ये फिल्म वाकई में काफी अच्छी साबित हो सकती है और जानवी कपूर के नए करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये तो रही फिल्म की बात। अगर आप चाहते हैं कि हम गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर एक वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमें कमेंट सेक्शन में दिखता है कि आप लोग उस वीडियो की डिमांड कर रहे हैं तो जल्दी ही आपको गुंजन सक्सेना की जिंदगी की कहानी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5, अंग्रेजी मीडियम। जब इरफान खान की फिल्म हिंदी मीडियम आई थी तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह फिल्म इतनी सफल होगी, पर अपनी कमाल की स्टोरी लाइन और एक्टिंग के दम पर फिल्म ने अपनी ऑडियंस खुद ही ढूंढ ली और न केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी खूब नाम कमाया और इरफान खान जैसे सेलिब्रेटेड एक्टर के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। अब उसी फिल्म का सीक्वल आ रहा है जिसका नाम है अंग्रेजी मीडियम, जो मार्च 20, 2020 को रिलीज होगी। यूं तो इस फिल्म के सीक्वल की चर्चा हिंदी मीडियम की सफलता के बाद से ही शुरू हो गई थी, पर इरफान खान की बीमारी के चलते फिल्म की शूटिंग काफी वक्त तक टल गई और इसी वजह से फिल्म काफी डिले हो गई और अब मार्च 20, 2020 को फाइनली ये फिल्म थिएटर्स में तहलका मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म में इरफान खान और करीना कपूर खान मुख्य भूमिका में हैं। इनके अलावा फिल्म की कास्ट में राधिका मदन, दीपक डोबरियाल, कीकू शारदा, रणवीर शोरे, पंकज त्रिपाठी, डिंपल कपाड़िया जैसे कलाकार भी हैं। इस फिल्म को होमी अडजानिया ने डायरेक्ट किया है, वहीं इसको दिनेश विजन ने प्रोड्यूस किया। दिनेश इससे पहले भी कई सफल फिल्में बना चुके हैं तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजी मीडियम भी हिंदी मीडियम की तरह ही एक हिट फिल्म साबित होगी। नंबर 6, 83। रणवीर सिंह बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में शुमार किए जाने लगे हैं। इसके पीछे जो सबसे अहम वजह है वो है उनकी फिल्म्स। वह एक के बाद एक लगातार कमाल की सुपरहिट मूवीज देते जा रहे हैं जो न केवल लोगों को पसंद आ रही हैं बल्कि साथ ही साथ क्रिटिक्स भी उन फिल्मों के दीवाने हो रहे हैं। रणवीर सिंह ने पिछले कुछ समय में सिम्बा, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी कमाल की फिल्मों में काम करा है, जिन्होंने उनके एक एक्टर के तौर पर स्टेटस को और भी बढ़ा दिया है। सिम्बा के बाद से वह अब तक किसी फिल्म में नजर नहीं आए, इसीलिए उनके फैंस को उनकी अगली फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अप्रैल 10, 2020 को 83 फिल्म से उनके फैंस का ये इंतजार खत्म होगा। रणवीर सिंह 83 फिल्म में भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। उनके अलावा उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में उनकी पत्नी की भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने काफी मेहनत करी है। इस फिल्म की कहानी भारत की क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की जीत को दिखाएगी। इस फिल्म को कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले भी कई बड़ी बजट की फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के अलावा इस फिल्म में ताहिर राज भसीन, साकिब सलीम, हार्डी संधु, एम ए विर्क, अमृता पुरी, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, जीवा और साहिल खट्टर भी हैं। यह फिल्म 2020 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन सकती है। दोस्तों, फिल्म से अलग अगर बात करी जाए तो हमने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने हमारे चैनल पर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली फिल्म की तरफ। नंबर 7, सूर्यवंशी। रोहित शेट्टी अपनी अलग तरह की फिल्मों के लिए काफी मशहूर हैं। उनकी बनाई हुई ज्यादातर फिल्में सफल होती हैं। वह अब तक गोलमाल फ्रेंचाइजी, सिम्बा और सिंघम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और ये फिल्में काफी सफल साबित हुई हैं। 2020 में वह दोबारा से कॉप फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें अक्षय कुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी हैं, जो इस फिल्म की फीमेल लीड हैं।
ये फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज होगी। यह रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की चौथी फिल्म होगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अजय देवगन भी गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे। नंबर 8, कुली नंबर 1। वरुण धवन यूं तो जब से बॉलीवुड में आए हैं तब से लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में दे चुके हैं। देखा जाए तो उनका सक्सेस रेट बाकी एक्टर्स के मुकाबले काफी अधिक है। 2020 की शुरुआत वे स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म से कर रहे हैं, पर हमने उस फिल्म को इस लिस्ट में ना रखकर वरुण की कुली नंबर 1 को रखा है, जो 1 मई 2020 को रिलीज होगी। इस फिल्म में वरुण धवन और सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 1999 में आई फिल्म का रीमेक है, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे थे। इस फिल्म को वरुण धवन के पिता डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं इस फिल्म का म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिया है। वरुण धवन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस फिल्म के सफल होने के भी काफी अधिक चांसेस हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस लिस्ट की 9वीं फिल्म की तरफ। नंबर 9, जर्सी। बीते वर्ष जब शाहिद कपूर कबीर सिंह में नजर आए थे तो उनकी फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस फिल्म ने शाहिद कपूर को वापस से बॉलीवुड के ए लिस्टर्स में शामिल कराया था। उस फिल्म के बाद से ही शाहिद कपूर के फैंस उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, और शाहिद कपूर के फैंस का इंतजार खत्म होगा 28 अगस्त 2020 को, जब वे जर्सी फिल्म के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। ये फिल्म भी साउथ की फिल्म जर्सी का रीमेक है। इस फिल्म में शाहिद एक क्रिकेटर और एक पिता के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को गौतम टेननूरी डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहिद के अलावा इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, पंकज कपूर, पंकज त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ, चेतना पांडे आदि भी नजर आएंगे। इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस फिल्म के तेलुगु वर्जन ने लोगों की खूब वाहवाही लूटी थी। इसी के साथ अब हम आ चुके हैं इस लिस्ट की आखिरी फिल्म की तरफ। नंबर 10, ब्रह्मास्त्र। आलिया भट्ट से हमेशा ही उम्मीद रहती है कि वह कमाल की फिल्म में कमाल की एक्टिंग करेंगी। राजी में उनकी एक्टिंग को हर किसी ने पसंद किया था। 2020 की शुरुआत वह गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से करने वाली हैं। इस फिल्म को भी लोग खूब प्यार देंगे, पर इस वीडियो में हम आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को शामिल कर रहे हैं। यूं तो इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक तय नहीं है, पर इसको 2020 में ही रिलीज किया जाना है। इस फिल्म में रणबीर और आलिया पहली बार साथ नजर आएंगे, इस कारण से भी लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। रणबीर और आलिया के अलावा इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, मोनी रॉय, डिंपल कपाड़िया, प्रतीक बब्बर, अकनेनी नागार्जुना, सौरभ गुर्जर आदि भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म अयान मुखर्जी की मैथोलॉजिकल ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इससे उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म अपनी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और बॉलीवुड ऑडियंस के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी वो 10 फिल्में जो 2020 में ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।